हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? यहाँ पे मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह आप भी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है आज हम चिकन समोसा बनाएंगे, जो पट्टी वाला रेडीमेड आता है ना, वो समोसा। ठीक है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 किलो से ज़्यादा जो है चिकन है, और इसे बॉईल करके इस तरीके से शेड कर लिए, सिर्फ नमक डाल के बॉईल करें। ठीक है, यहाँ पे भाजी में जो है गाजर इस तरीके से चॉप कर लिए, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च। आपको जो भी भाजी चाहिए आप अपने मतलब अपने हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे जो है कांदा लिए 2 मीडियम साइज के, इस तरीके से जो है चॉप करके ले लिए, और यहाँ पे जो है अदरक लहसुन मिर्ची को चॉप करके ले लिए। ड्राई मसाले में मैगी मसाला, काली मिर्च पाउडर मसाला, मीट मसाला, और यहाँ पे धनिया पाउडर मसाला, चाट मसाला। ठीक है, और साथ ही साथ नमक टेस्ट के हिसाब से, और थोड़ा सा विनीगर डालेंगे, सिरका, वाइट सिरका। जो है हम एक कढ़ाई में जो है तेल डालेंगे और उसे थोड़ा सा गर्म होने देंगे। अब इसमें जो है कांदा डाल देंगे जो चॉप किए थे, और इसे जो है लाइट गोल्डन ब्राउन होने देंगे, मतलब पिंकिश होने देंगे। ठीक है, अदरक लहसुन मिर्ची जो हमने जो चॉप किए थे ना, वो डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कांदा जो पिंक हो गया है, गोल्डन पिंक हो गया है, अब इसमें हम जो है भाजी ऐड कर देंगे जो हमने चॉप किए थे ना, और साथ ही साथ नमक डाल देंगे, से डालेंगे। हाँ, नमक यहाँ पे टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, और साथ ही साथ जो विनीगर डालेंगे, और जितने ड्राई मसाले थे ना वो यहाँ पे, जो मैगी मसाला, काली मिर्च पाउडर और मटर मसाला, और साथ ही साथ यहाँ पे जीरा पाउडर, और यहाँ पे जो आमचूर मसाला, आमचूर पाउडर। ठीक है, अब इसको इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा विनीगर डालेंगे। ठीक है, और 2 से 3 मिनट से चलाते हुए पकाएंगे, 2 से 3 मिनट हम चलाते हुए पकाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम चिकन डाल देंगे, फिर 1 से 2 मिनट पकाएंगे, और फिर गैस की फ्लेम जो है ऑफ कर देंगे। अभी हम चिकन डाल देंगे, जो शेड करा हुआ चिकन है ना, अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है चिकन पका लिए 1 से 2 मिनट, और जो है गैस की जो है फ्लेम जो है ऑफ कर देंगे, और थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है गैस की फ्लेम हमने ऑफ कर दिए, और यहाँ पे ठंडा कर रहे, और यहाँ पे हमने 2 पार्ट में मीन्स अलग अलग कर दिए ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। ठीक है, जब थोड़ा ठंडा हो जाए ना, तो इसमें जो हम डालेंगे मोजरेला चीज़। तो यहाँ पे जो अच्छी मतलब क्वांटिटी अच्छी है, तो यहाँ पे जो है 1 पैकेट जो है चीज़ का डाल देंगे, 200 ग्राम का। तो हम यहाँ पे जो है चीज़ डाल रहे हैं, मोजरेला चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 200 ग्राम पूरा डाल देंगे, और फिर जो हमने साइड में जो चिकन रखे हैं वो भी डाल देंगे इसमें, मीन्स ऐड कर देंगे पूरा, जो हमने आधा आधा करे थे मतलब पार्टीशन में करे थे ना, ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। तो अब उसको दोनों को हम मिला लेंगे, और फिर अच्छे से मोजरेला जो चीज़ है उसको भी मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे, और फिर जो है समोसा तैयार करेंगे। तो यहाँ पे जो है समोसा पट्टी जो है रेडीमेड है, आप चाहे तो मतलब घर में भी समोसा मतलब जो मैदे से बनाते ना, वो भी वैसे भी बना सकते हैं, पर समोसा पट्टी की जो है ये वाला बहुत इजी रहता है। और यहाँ पे जो हमने मैदे का जो घोल बना लिए, ताकि जो है चिपकाने के लिए इजी पड़े। ठीक है, तो मैदा और पानी लिए, उसका घोल बना लिए, और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से समोसा पट्टी की जो है इसमें फिल करेंगे। तो यहाँ पे जो है छोटी भाभी फील कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है अच्छे से इस तरीके से यहाँ पे जो है भर देंगे, और फिर अच्छे से इसको रैप कर देंगे समोसे को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है समोसे को इस तरीके से अच्छे से भर देंगे, और इसी तरीके से जो है पूरा समोसे को बना लेंगे। ठीक है, और इसे जो है डीप फ्राई करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई में जो है तेल गर्म होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से जो चिपकाने के लिए हमने जो है ये घोल लगा लिए। ठीक है, तो इसे अच्छे से चिपक जाता है, और वहाँ पे जो हमने एक कढ़ाई में जो है तेल गर्म होने के लिए रख दिए, और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा जो है कंप्लीट हो गया बना के, और इसे आप जो है स्टोर भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से हमने डीप फ्राई कर लेंगे। तो इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेना है समोसे को। तो हम यहाँ पे अच्छे से इसे जो है गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे, दोनों साइड से अच्छे से पकाना है इसको। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो है गोल्डन ब्राउन हो गया है, देख सकते हैं इस तरीके से जो हमारा समोसा रेडी हो गया। और आप चाहे तो इसको मेयोनीज और शेजवान चटनी के साथ बहुत अच्छा लगता है, तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। आज के लिए इतना ही।